नमस्कार, मैं हूं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम बताएंगे आपको। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लगभग 74,000 नियोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड तलाशने में विजिलेंस टीम हांफ रही है। पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में हो रही ऐसी शिक्षकों की जांच में नियोजन इकाइयां आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराने वाली नियोजन इकाइयों पर तुरंत कार्रवाई करने की छूट विजिलेंस विभाग को दिया है, ताकि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दायर कराई जा सके। शिक्षा विभाग के अनुसार विजिलेंस ब्यूरो के समूह ने तमाम जिलों में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जांच पर करार है। जांच में फर्जी डिग्री पर भर्ती तथा एक ही डिग्री पर दो दो स्थानों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों का मामला भी सामने आ चुका है। निगरानी टीम ने 450 फर्जी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दायर किया। इसमें जहानाबाद में 42, बक्सर में 31, रोहतास में 29, भोजपुर में 16, मधुबनी एवं दरभंगा में 11, नवादा में 45, पटना, पूर्णिया, अररिया, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में एक एक शिक्षक सम्मिलित हैं। इसके अलावा भोजपुर की नियोजन इकाई के 3 अधिकारियों पर भी प्राथमिकी दायर किया गया है। भोजपुर जिले में 13 ऐसे नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दायर किया गया है, जिन्होंने एक ही अंक पत्र और सर्टिफिकेट पर दो जिलों में बहाली पत्र ले लिया और दोनों स्थानों से तनख्वाह उठाया। विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षकों के नियोजन संबंधी रिकॉर्ड की जांच के लिए सारे जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है। नियोजन इकाइयों के रिकॉर्ड रूम में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर जांच में गायब पाए गए हैं। 234 मुखिया की भूमिका पहले के नियोजन प्रक्रिया में जांच के दौरान पाया गया है। ये विजिलेंस समूह के रडार पर है। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले में कांटी थाना क्षेत्र के बकटपुर पंचायत की पूर्व मुखिया अनुपमा देवी को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर 4 शिक्षक की बहाली के मसले में पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस मसले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों ने पहले 4 शिक्षकों पर ही प्राथमिकी दायर कराया था। निगरानी की समूह ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में 22 दर्जन जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला समारोह पदाधिकारी और 156 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के किरदार को संदिग्ध पाया है। अब ऐसे पदाधिकारी भी निगरानी जांच की प्रक्रिया में आ सकते हैं। शिक्षकों के मांगे गए रिकॉर्ड फोल्डर नहीं पाए जाने पर ऐसे पदाधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।